पकोड़े आपको नाम से एकदम डिफरेंट लग रहा होगा सुनते ही, ये एकदम आसानी से बनते हैं और एकदम ही अलग से बनते हैं और ये खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको बनाइए, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलिए हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तंदूरी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगती है उसके साथ। तो यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर जार ली है, इसमें हम धनिया पुदीना डाल देते हैं सबसे पहले। धनिया पुदीना डालने के बाद हम इसमें अनियन डाल देते हैं, ये हम कट करके डाल देते हैं। अनियन डालने के बाद हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी और एकदम डिफरेंट है, आपको बहुत पसंद आएगी ये। और हम इसमें साथ ही ग्रीन चिलीज भी डाल देते हैं, आपको जितना स्पाइसी पसंद हो आप उसके हिसाब से डालिए। साथ ही इसमें हम जीरा डाल देते हैं। यहाँ पे हमने टैमरिंड का पल्प लिया है, वो डाल देंगे। अब साथ ही इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब ये सब चीजों को हम अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी बना लेंगे। तो ये हम ब्लेंड कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से ब्लेंड कर ली है। अब हम इसे खोलते हैं, ये आप देखिए अच्छे से सब पिस गया है, ये चटनी बन गई है। इस टाइम इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है, इसको हम साइड पे रखते हैं और आगे तंदूरी पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसका बैटर बनाना है, उसके लिए हमने बाउल लिया है। इसमें हम 1 कप बेसन डाल देंगे सबसे पहले, साथ ही हम इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें इसका थिक बैटर बना लेंगे हम पहले, तो वो हम डाल देते हैं। पहले हम कम ही पानी डालेंगे, इससे इजीली सारे जो लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। कोई इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और कोई लम्स भी नहीं है इसमें, ये एकदम स्मूथ हो गया। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे जिससे एकदम तंदूरी कलर आ जाएगा ये पकौड़ों में। पहले हम रेड कलर डालते हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं फूड कलर, बहुत ही थोड़ा सा यूज होता है ये कलर, ज़्यादा नहीं आपने डालना। साथ ही इसमें हम थोड़ा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा और ये मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये जो पकोड़े हैं ये ज़्यादातर चाट के तौर पे खाए जाते हैं, मतलब बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, शाम को जब आपका कोई चटपटा स्नैक्स खाने का मन करे तो आप ये पकोड़े बना के खा सकते हैं। देखिए एकदम तंदूरी कलर आ गया इसमें, अगर आप ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं फूड कलर। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, कोई इसमें हमने मसाले नहीं डालने और सिर्फ नमक डालेंगे, क्योंकि सारा जो टेस्ट है वो चटनी से आएगा पकौड़ों में, चटनी जो आप साथ खाएंगे। मिक्स कर देते हैं इसको। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे,
जस्ट हमने थोड़ा सा ही डालना है, इससे एकदम फ्लफी पकोड़े बनेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको भी। बस अब ये तंदूरी पकोड़े का बैटर एकदम पूरी तरह बनके तैयार हो गया है। अब हमने इनको फ्राई करना है। अब आगे पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम फ्राई करेंगे पकोड़े। और पकोड़े फ्राई करते टाइम आपने साथ में एक बाउल में पानी भर के रख के ले लेना है, क्योंकि हमें इनको फ्राई करने के बाद इमीडिएट पानी में डालना है, और ज़्यादा देर भी नहीं डालना पानी में, थोड़ी देर ही हम इसको रखेंगे। तो ये बाउल आप भर के रखें साथ ही। अब हम पकौड़े बनाते हैं, फ्राई करते हैं इनको। जो बैटर हमने बनाया था वो थोड़ा थोड़ा लेके डालते जाएंगे। जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है उसमें ही हम फ्राई कर रहे हैं। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। ये सारे हमने पकोड़े डाल दिए हैं और ये आप देख सकते हैं एकदम फूलने शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने इनको कुक नहीं करना, नहीं तो ये एकदम जल जाएंगे। एकदम लाइट और फ्लफी बनते हैं ये पकोड़े और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और आप ये देख रहे होंगे एकदम ही डिफरेंट रेसिपी है ये। जो ये कलर है तंदूरी, इसी से इनका नाम है तंदूरी पकोड़े। एक साइड को हम अच्छे से सिकने देते हैं और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑयल कच्ची से दूसरी साइड के ऊपर भी डाल देते हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। अच्छा कलर आ गया इनमें, ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी सेक लेंगे। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं ये और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। कोई भी आपके घर में पार्टी है तो आप एज अ स्टार्टर भी इसको सर्व कर सकते हैं। शाम को अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या आपका वैसे ही कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप ये पकौड़े बना के खा सकते हैं। ये दोनों साइड से आप देख सकते हैं पकोड़ों में बहुत ही अच्छा कलर आ गया और एकदम क्रिस्प हो गई है, एकदम बन के तैयार हो गया है। अब हम इनको जो हमने बाउल में पानी भरा हुआ था उसमें निकाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं सारे। ये आप देख सकते हैं हमने सारे पकोड़े पानी के बाउल में डाल दिए हैं। अब 5 मिनट्स जस्ट हम इनको ऐसे ही रहने देंगे पानी में और फिर हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। 5 मिनट्स हो गए हैं ये पकोड़ों को पानी में सोक करे हुए। अब हम इनको हल्के हाथ से प्रेस करके एक प्लेट पे निकाल देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं इस टाइम, बहुत ही हल्के हाथ से हम इनको प्रेस करेंगे, नहीं तो ये एकदम टूट जाएंगे। जस्ट ऐसे ही हमने प्रेस करके रखते जाना है प्लेट पे। ऐसे हम सारे निकाल लेते हैं। यह आपने ध्यान रखना है कि 5 मिनट से आप इनको ज़्यादा ना रखें, नहीं तो इसी में ये सारे मैश होने लग जाएंगे। ये सारे तंदूरी पकोड़े हमने पानी से निकाल के तैयार कर लिए हैं। ये आप देखिए सब ये बन के एकदम तैयार हो गए हैं इस टाइम। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम आपको बताते हैं इनको सर्व कैसे करना है। यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है, इसमें हम ये पकोड़े डाल देंगे पहले। पकोड़े डालने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। और साथ ही इसके ऊपर हम अनियन रिंग्स डाल देते हैं। ये ऐसे ही सर्व किए जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर आप बताइए आपको कैसे लगे। और फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कीजिए। और आपको हमारी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।